स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप लोग पहले ही खुश हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं। जी नहीं, आज के इस एक वीडियो में हम लोग पाँच पाँच चैप्टर का रिटर्न क्वेश्चन यानी कि सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 13 से लेकर 17, 13, 14, 15, 16, 17, ये टोटल पांच चैप्टर हैं। 12 चैप्टर तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दी थी, ठीक है। 12वां चैप्टर का नाम था गुफ्तगू, जिसके राइटर थे अली सरदार जाफरी। तो 12 चैप्टर तो मैं आप लोगों को रिटर्न क्वेश्चन करा दी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, बल्कि ये पाँचों चैप्टर यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 पाँचों चैप्टर का सारा रिटर्न क्वेश्चन करने वाले हैं। सारा रिटर्न क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा दूंगी, जितना भी आप लोगों के बुक में क्वेश्चन दिया गया है इन पाँचों चैप्टर से। इन पांचों चैप्टर के सारे क्वेश्चन को इसीलिए एक साथ कंप्लीट करा रही हूँ, एक ही वीडियो में इसीलिए कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि ये पांचों का पांचों चैप्टर क्या है, नज्म यानी कि कविता है। हालांकि एक छूट गया है, गुफ्तगू नाम का नज्म जो है ना, इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो करा दी थी। तब मुझे ये ख्याल आया कि सारे नज्म को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देना चाहिए, तो वो तो अलग हो गया है, लेकिन उसको आप लोग देख लीजिएगा। गुफ्तगू नाम का जो नज्म है ना, उसके भी राइटर अली सरदार जाफरी है, उसका क्वेश्चन आंसर हो गया है, उसको देख लीजिएगा। उसको करा देने के बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना एक ही वीडियो में सारा नज्म के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसीलिए अब एक तो हो गया था, अब बचा हुआ पाँच बचा हुआ था, तो पांचों के पांचों जो नज्म है यानी कि पांचों का पांचों चैप्टर जो है ना, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को अलग अलग मतलब वीडियो पांच वीडियो बनता, इसका अलग वीडियो, इसका अलग वीडियो, इसका अलग वीडियो, तो फिर आप लोग को पाँच जगह जाना पड़ता, पाँच बार आप लोग ढूंढते वीडियो को। उससे अच्छा इस एक ही वीडियो में आप लोगों को पाँचों चैप्टर मिल जाएगा, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, और प्लस आप लोग का समय भी बचेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। 13वां चैप्टर का नाम है मेरा सफ़र, राइटर अली सरदार जाफरी है। 14वां जो है 14 नाम का चैप्टर, उसका नाम है खेती, और खेती नाम के नज़म के राइटर है अमी खनफी, और बर के कलीसा 15वां चैप्टर है, इसके राइटर है अकबर अलाहाबादी। 16वां चैप्टर के राइटर है मुतशायर, और इसके चैप्टर के इस चैप्टर के राइटर है जफ़र कमाली। 17वां चैप्टर का नाम है हम नहीं जानते, और इस चैप्टर के राइटर है योजिनो मुंताले। और आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि ये ऑल चैप्टर को मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। 12th क्लास के उर्दू का हर एक चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे, सारा चैप्टर वन बाय वन करके मिल जाएगा। ऑल चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है, वन बाय वन करके कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर चैप्टर पढ़े रहेंगे तो जितना भी क्वेश्चन आंसर आप लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल वाला रहेगा, एकदम आसान रहेगा, क्योंकि पहले से कहानी जानते रहेंगे इस नज़्म में सभी नज़्म में शायर जो है ना क्या क्या बताने की कोशिश किए हैं, थीम पता रहेगा, ठीक है, कहानी पता रहेगी, तब तो आप लोग समझ पाएंगे ना क्वेश्चन आंसर को। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ पहले चैप्टर पढ़ लें और तब क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, और आई होप आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ये पाँचों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन आप लोगों का, और ये चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मेरा सफ़र, और फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 करेंगे, टोटल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 का सवाल जो स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से, टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, सवाल पूछा जा रहा है कि मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है, यानी कि मेरा सफ़र नज़्म जो है ना, ये कविता, ये किस तरह की कविता है। तो ये एक आज़ाद नज़्म है, यानी कि आज़ाद कविता है। मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है, आज़ाद है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाएँ, जी हाँ, तो दूसरा सवाल है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। ये तो चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाई ही हूँ, पता ही होगा आप लोगों को, उनकी पैदाइश जो है ना उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के बलरामपुर में हुई थी। तो ये हो गया जवाब। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि अली सरदार जाफरी की चार नज़मों के नाम बताएँ, यानी कि चार कविताओं का नाम बता देना है। अब अपने हिसाब से, मैं आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ा ही हूँ, अपने हिसाब से कोई भी चार नज़्म का नाम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए आंसर में क्या दिया गया है। पहला नज़्म में दे दिया गया है मेरा सफ़र, दूसरा है गुफ्तगू, तीसरा है एशिया जाग उठा, और चौथा है
दुनिया को सलाम, मेरा सफ़र और गुफ्तगू, ये दोनों नज़म जो है ना अली सरदार जाफरी की ही लिखी हुई है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम, ये भी अली सरदार जाफरी की ही है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है कि अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई थी, तो 1 अगस्त 2000 को हुई थी। ये थोड़ा सा धुंधला आ गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पांचवा सवाल देखिए, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला, उन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था 1997 ईस्वी को, ये भी याद रखना है। ये हो गया जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अली सरदार किस आंदोलन से अली सरदार जाफरी का ताल्लुक था, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों का नाम बताएं, यहाँ पर सवाल है, तो 2 तनकीदी किताबों का नाम बता देना है। पहला है तरक्की पसंद अदब और दूसरा है इकबाल शनासी। ये मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझते हुए जब चैप्टर पढ़ा रही थी ना उसी वक्त बताई थी, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताइए, अब दोनों किताबों का नाम याद रहेगा तभी तो आप लोग बताएंगे ना, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फारसी शायर से मुतासर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई, तो फारसी शायर थे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल से मुतासर होकर नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई, किसने लिखा, तो अली सरदार जाफरी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है, तो जवाब है जी हाँ, शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है, यानी कि खुद को एक तड़पता कतरा कहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप लोगों को 5 लाइन में लिखना होता है, 5-6 लाइन में लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाता है आप लोगों को। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल है कि आंखों के दिए कब बुझ जाते हैं, बहुत ही आसान सा, बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए ये जो मेरा सफ़र नज़्म है ना, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इस पूरे नज़्म में शायर जो हैं क्या बताने की कोशिश किए हैं, किस तरह की जज्बातों का इजहार इस नज़्म में किए हैं, ये हर एक चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, पूरा तशरीह की थी। तो अगर आप लोग पढ़ें तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आँखों के दिए कब बुझ जाते हैं, जब मौत नज़दीक होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, हाथों के कवल कुमला जाते हैं। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ ज़ुबान से जो है ना, ज़ुबान से जो हम लोग बातें करते हैं, ज़ुबान बंद हो जाती है, यानी कि जो ज़ुबान की तितली है वो उड़ जाती है। ये नज़्म पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं क्या लिखा गया है। शायर अली सरदार जाफरी ने ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र को एक वसीय तनाजिर में पेश किया है, चुनांचा सफ़र से शायर की मुराद कायनात का सफ़र है और मौत तो सफ़र की एक मंजिल है, यानी कि आगे भी सफ़र जारी रहेगा। इस नज़्म में आँखों के दिए बुझ जाने का मतलब यह है कि जब मौत आती है तो जिस्म के तमाम अज़ा की तरफ आँख भी बेजान हो जाती है और उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। आँखों के दिए बुझ जाने का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही है कि जब मौत आती है ना, तो जिस तरह शरीर के तमाम जो अंग हैं वो मतलब बेजान हो जाते हैं, ज़ुबान से जो हमारे मुंह से ज़ुबान की तितली जो है ना उड़ जाती है, यानी कि जब मौत नज़दीक होती है, यानी कि मौत होने वाली होती है, तो ज़ुबान बंद हो जाती है, यानी कि ज़ुबान से आवाज़ भी नहीं निकलती है, आवाज़ की तितली उड़ जाती है, हाथों के कौल कुमला जाते हैं, हाथ शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। बिल्कुल उसी तरह आँखों के दिए बुझ जाते हैं, यानी कि आँखों से रोशनी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शायर ने तड़पता कतरा की क्या खूबियाँ बयान की है। इस नज़्म में शायर जो है तड़पते कतरे की क्या खूबी बयान किए हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं जवाब में क्या लिखा है। अली सरदार जाफरी ने इस नज़्म में मेरा सफ़र में ज़्यादातर इस्तारती ज़ुबान इस्तेमाल किया है, चुनांचे शायर ने इस नज़्म में अपने आप को एक तड़पता हुआ कतरा करार दिया है और तड़पते हुए कतरे की कुछ खसूसियात भी बयान की हैं। शायर कहते हैं कि कतरा गरचे दरिया का कमतरीन हिस्सा है, फिर भी वह अपने वजूद को दरिया में जम करके सफ़र में मसरूम रहता है, मसरूफ़ रहता है, माजी की सुराही से निकलकर हाल की तामीर करता है और हाल के सफ़र से मुस्तकबिल का तसव्वुर पेश करता है। तो ये हो गया जवाब। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, मौत की आमद से पहले जो मंजर पेश किया गया है उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या लिखा गया है। मौत के आने से पहले जो मंजर पेश किया गया है इस नज़्म में, मतलब मौत आने से पहले किस तरह की फीलिंग्स होती है इंसान के अंतर्गत, वो इस नज़्म में बताया गया है। तो उसे ही अपने अल्फाज में बयान करना है, उसे ही बता देना है अपने लफ्ज़ों में लिखकर। तो देखिए यहाँ पर जवाब लिखा भी गया है,
कि अली सरदार जाफरी ने अपने नज़्म मेरा सफ़र में इब्तदा में ही मौत का एक मंजर पेश किया है। चुनांचा शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का सफ़र पाया तकमील को पहुंचेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, हाथों की हरकत ख़त्म हो जाएगी, ज़ुबान की गोयानी छीन ली जाएगी और इंसान तितली की तरह दुनिया से उड़ जाएगा और मौत से हम किनारा हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि जब मौत आने वाली होती है तो मौत आने से पहले ये सारे मामलात पेश आते हैं इंसान के साथ, यानी कि आंखों के दिए बुझ जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, शरीर के जितने भी अंग होते हैं सभी अंग काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। ज़ुबान से आवाज़ की तितली जो है ना हमेशा के लिए उड़ जाती है और उसके बाद से क्या होता है, इंसान भी तितली की तरह दुनिया से उड़ जाता है और मौत उस इंसान की हो जाती है। तो यही बोला गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा, तो जवाब में लिखा है कि ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र के आखिर में शायर अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मौत के बाद अमर हो जाऊँगा। इसकी कैफियत यह होगी कि जब मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे याद करेंगे। अगर मैंने दुनियावी ज़िंदगी में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अच्छाई से याद करेंगे, यानी मेरी अच्छाई ही मरने के पीछे ज़िंदा रखेगी। यहाँ पर शायर, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएंगे। ये इसीलिए अमर हो जाएंगे क्योंकि भले ये मर जाएंगे लेकिन इनके किए गए अच्छे काम लोग याद रखेंगे और इनकी अच्छी यादें ही मरने के पीछे ज़िंदा रखेगी, यानी कि मर भी जाएंगे लेकिन लोग इन्हें याद करेंगे और ये मर के भी अमर रहेंगे। तो इसी वजह से शायर बोल रहे हैं कि मौत के बाद मैं अमर हो जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ज़बान जो है ना, ज़बान के पत्ते, एक मिनट रुक जाएं, जी हाँ, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, यह बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, ये बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। जवाब में लिखा है कि ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र में शायर अली सरदार जाफरी ने इस्तेआराती ज़ुबान इस्तेमाल किया है, चुनांचे ज़ुबान के पत्ते से मुराद नुत्क व सदा की तितली है। चुनांचे शायर कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी के सूखे पत्तों से हंसने की आवाज़ें सुनाई देगी, यानी मौत के बाद बज़ाहर तो ज़ुबान की गोयानी, एक मिनट रुक जाएं, यानी मौत के बाद बज़ाहर तो ज़ुबान की गोयानी सुलभ कर जाएगी लेकिन वह ज़ुबान हाल से खामोशी में सब कुछ कह रही होगी। यानी कि बोल रहे हैं कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मैं फिर से एक जन्म लूँगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, यानी कि फिर से मैं एक पौधे के रूप में जन्म लूँगा और जब मैं बड़ा पेड़ बन जाऊँगा तो उसके सूखे पत्ते जो टूट कर नीचे गिरेंगे और जब कोई मुसाफिर उस रास्ते से होकर जाएगा और उसका पैर उस पत्ते पर पड़ेगा तो जो आवाज़ें आएंगी ना, उस सूखे पत्ते की जो आवाज़ें आएंगी वो मेरे हंसने की आवाज़ें सुनाई देंगी, ठीक है। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ज़ुबान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, यानी कि जब मौत आएगी तो मेरे ज़ुबान के पत्ते से, यानी कि मेरे जो ज़ुबान है इससे आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, यानी कि बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तवील सवालात यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जिसका आंसर आप लोगों को एक नहीं तो डेढ़ पेज में लिखना होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहला सवाल है कि अली सरदार जाफरी की नज़्म निगारी की खसूसियात वाजह कीजिए। इस सवाल का जवाब देखिए अली सरदार जाफरी की नज़्म गुफ्तगू में ही है, यहाँ पर जवाब नहीं लिखा गया है लेकिन इसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अली सरदार जाफरी की नज़्म निगारी की खसूसियत आप लोगों को बता देना है कि अली सरदार जाफरी किस तरह के नज़्म निगार है, ये किस तरह की नज़्म निगारी करते हैं, मतलब किस तरह की कविताओं को लिखते हैं और इनकी कविताओं में कौन कौन सी खसूसियत है या इनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, ये आप लोग को लिख कर बयान कर देना है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर मैं किस लिए करवाती हूँ, ताकि आप लोग लफ्ज़ों को पकड़कर आंसर लिखना सीख जाएं, लफ्ज़ों को सजा कर आप लोग आंसर लिख सकें। आप लोग लिख नहीं सकते हैं कि अली सरदार जाफरी उर्दू के जदीद उर्दू नज़्म निगारी में इनको बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल है, उर्दू के अहम तरीन व मशहूर व मकबूल शायर अली सरदार जाफरी की नज़्म मेरा सफ़र में शायर जो है यानी कि अली सरदार जाफरी, उन्होंने अपने ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया है और ज़िंदगी के सफ़र के बाद जो अगली मंजिल होती है मौत की मंजिल उसको भी बयान किया, और मौत आने से पहले जो भी वाक़ात पेश आते हैं इंसान के साथ वो हर एक वाक़ात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से
मेरा सफ़र नज़्म में इन्होंने जाहिर कर दिया है, लिखकर बयान कर दिया है। तो आप लोग लंबा चौड़ा जो है ना अली सरदार जाफरी की नज़्म नगारी की खसूसियत बता सकते हैं, विशेषताओं को बता सकते हैं। अभी देखिए जो भी मैं बोली अपने ज़बान से, अब मतलब ऑटोमेटिक ये चीज़, ये बात जो है ना हमारे दिमाग में आई। आप लोग इसी तरह करके लफ्ज़ों को सजा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सफ़र नज़्म में मंजर निगारी पर एक नोट लिखी है, यानी कि समझिए कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, समझिए कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी की नज़्म निगारी की खसूसियत बयान कीजिए, यानी कि विशेषताओं को बताना है अली सरदार जाफरी की नज़्म निगारी की। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेरा सफ़र नज़्म में मंजर निगारी पर एक नोट लिखी है, यानी कि मेरा सफ़र जो नज़्म है ना इसमें किस चीज़ की मंजर निगारी की है, यानी कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है। बस थोड़ा का अंतर है कि इसमें आप लोगों को बताना है कि खसूसियत क्या है, यानी कि विशेषता क्या है अली सरदार जाफरी की नज़म निगारी की, और यहाँ पर मेरा सफ़र नज़्म का मंजर निगारी कर देना है, यानी कि इस नज़्म में क्या बताया गया है ये आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र के शायर अली सरदार जाफरी हैं। इस नज़्म में शायर ने फ़लसफियाना अंदाज़ इख्तियार किया है। वाकई में क्या ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया। इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। ज़ेर निसाब नज़्म मेरा सफ़र के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी हैं। इस नज़्म में शायर के फ़लसफियाना अंदाज़ इख्तियार किया है, शायर ने फ़लसफियाना अंदाज़ इख्तियार किया है। उनकी यह नज़्म मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचा शायर फरमाते हैं कि मौत हर जानदार के लिए लाजमी है, लेकिन उसके साथ पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। शायर ने मौत के सफ़र की मानवियत को उस नज़्म में पेश किया है। उसने पहले मिसरे में ही कहा है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, यानी कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख कि रोशनी चली जाएगी, ज़ुबान से उसकी गोयाई छीन ली जाएगी। अब तक ज़िंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वो तमाम यादें मस्ख हो जाती हैं, यानी कि मौत से पहले वो तमाम यादें जितनी भी मतलब मेमोरी पावर है वो ख़त्म हो जाती है, तमाम यादें मिट जाती हैं, महफिलें वीरान नज़र आने लगती हैं, यहाँ तक कि खून की रफ़्तार और दिल की धड़कनें भी ख़त्म हो जाती हैं। और ज़िंदगी में यही मौत की अलामत है। मौत की निशानी क्या है कि मौत आने से पहले जितनी भी यादें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं धीरे धीरे। आपकी जो यादाश्त है मतलब मेमोरी पावर, याद रखने की क्षमता, वो कम होने लगती है, महफिलें वीरान नज़र आने लगती हैं, शरीर के अंग काम करना छोड़ देते हैं, यही तो है मौत की निशानी। शायर ने इस हकीकत को बयान करने के लिए इंसानी अज़ा की उन इशारों का इस्तेमाल किया है, आँखों के दिए, हाथों के कवल, ज़ुबान के पत्ते से नुत्क व सदा की तितली। इस तरह उसने वक्त और अपनी ज़ात के इशारों से नज़्म को एक शायराना हुस्न अता किया है। तो इस तरह के लफ्ज़ों का यूज़ करके जो है ना शायर अपनी ज़ात के इशारों से नज़्म को एक शायराना हुस्न अता किया है, मतलब नज़्म के अंदाज़ में इन्होंने लिख दिया है। शायर का दावा है कि लोग मुझे मौत के बाद भी याद करेंगे जब मैं दुनियावी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर जाऊंगा, मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। ये हो गया आंसर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का चैप्टर नंबर 40, यानी कि 14वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम क्या है? खेती नज़्में, जिसके राइटर कौन है? वो हैं अमीक हनफी। तो चलिए देख लेते हैं। चैप्टर नंबर ये 14 है, 14वां चैप्टर खेती नज़्म है। देखिए मुख्तसर तरीन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल कि क्या खेती एक पाबंद नज़्म है? तो नहीं, खेती जो है ना ये एक पाबंद नज़्म नहीं है, याद रखना है। खेती की हैयत क्या है, यानी कि खेती किस तरह की नज़्म है? जब पाबंद नज़्म नहीं है तो ये किस तरह की नज़्म है? तो याद रखिएगा ये एक आज़ाद नज़्म है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खेती की हैयत क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा आज़ाद नज़्म, धीरे से टिक कर देना है जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे। तीसरा सवाल कि इस नज़्म के शायर कौन है? खेती नाम के नज़्म के शायर कौन है बताना है, तो इस नज़्म के शायर अमीक हनफी हैं। चौथा सवाल, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या यह मिसरा नज़्म की खेती से माखूज है? तो हाँ, नज़्म क्या है? खेती। तो क्या ये मिसरा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एक बार फिर से समझिए, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, ये जो मिसरा है क्या यह मिसरा नज़्म खेती से माखूज है? यानी कि क्या ये मिसरा, ये लाइन नज़्म खेती से लिया गया है? तो जी हाँ बिल्कुल, यह मिसरा नज़्म खेती से ही लिया गया है, खेती नाम के नज़्म यानी कि कविता से ही ये लाइन उठाया गया है।
आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल, सब्ज को जर्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरम्मत करता है? तो वक्त हमें मरम्मत करता है। सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो जी हाँ, वक्त हमें सूरज की किरण की हमदमी में झूमने देता है, मौका देता है झूमने की। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? तो बिल्कुल हाँ, तमाम इंसान जो है ना वक्त की खेती है। हम सभी लोग जो है ना वक्त की खेती है, वक्त हमें बोता है, पालता है, उगाता है। हम लोग बड़े होते हैं, ज़िंदगी में जो करना होता है करते हैं, लेकिन आखिरकार वक्त हमें काट लेता है फसल की तरह, यानी कि आखिरकार हम लोगों की मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आठवां सवाल, क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? बेशक हाँ, वक्त के लुक में है तमाम इंसान। क्या वक्त नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार है? तो जी बिल्कुल, वक्त जो है ना नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। मतलब कि खेती नाम का जो नज़्म है ये वक्त पर ही लिखी गई है। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात, क्योंकि इसमें मुख्तसर सवालात नहीं दिया गया है, डायरेक्ट तवील सवालात यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल है कि हम वक्त की खेती किस तरह है? नज़्म खेती के हवाले से जवाब दीजिए। ये जो नज़्म है खेती कविता, जिसके राइटर हैं अमीर खनफी, तो इस नज़्म खेती नाम की कविता के हवाले से इसका हेल्प लेते हुए आप लोगों को बताना है कि हम वक्त की खेती किस तरह हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट जवाब देख लेते हैं, जवाब में क्या लिखा गया है। तो देखिए, लिखा गया है कि ज़ेर नज़र नज़्म खेती के शायर अमीर खनफी हैं। हयाती लिहाज से यह अमीर खनफी की आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने वक्त की अहमियत व अफादियत को बयान किया है। वक्त सिर्फ सुबह व शाम के गुजरने का किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी को मुतहरक करने का बहुत बड़ा आमिल है। अभी तक आप इब्तदा व इर्तका और अंजाम की रूहानी तौजीहात से वाकिफ होते रहे हैं, लेकिन अमीर खनफी की इस नज़्म खेती में जी हयात मखलूक की मादी तौजिया पेश की गई है। इसे आप तवील अहद पर अहाता किया हुआ तजर्बा भी समझ सकते हैं। नज़्म का एक हिस्सा बढ़ने और बनने से जुड़ा है, तो दूसरा हिस्सा इंसानी ज़िंदगी के लाजमी अंजाम से जुड़ा हुआ है। यानी कि नज़्म का एक हिस्सा बनने और बढ़ने से जुड़ा हुआ है, यानी कि सबसे पहले बताया गया है कि इंसान वक्त की वजह से, यानी कि वक्त जो है इंसान को बढ़ने और फलने फूलने का मौका देता है, और वहीं दूसरे हिस्से में बताया गया है कि वही वक्त जो है ना समय इंसान को समय आने पर काट लेता है फसल की तरह, यानी कि मौत आ जाती है इंसान की, यानी कि उसका अंजाम मौत जो है ना आखिरी अंजाम हम कह सकते हैं, मंजिल है मौत। तो लास्ट में क्या करती है, वक्त में फसल की तरह काट लेती है, वही बताया गया है। आप इस नज़्म को ज़ाहरी तौर पर बड़ी आसानी से खेती बाड़ी का किस्सा समझ सकते हैं, लेकिन पहले ही मिसरे में वक्त की खेती हम में आया लफ्ज़ हम दर्जे बाला जुमले से हमारी तवज्जो हटा देता है। ज़िंदगी यहाँ नई शबाहत में ढली हुई नज़र आती है। आखिर के दो मिसरे हैं, हम भला आखिर उसके लुक में, हम भला आखिर उसके फसल। आखिरी मिसरों से यह साबित होता है कि हम तमाम लोग वक्त की खेती हैं। फसल तैयार हो जाए तो मामूल के मुताबिक इंसानों को वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है। वक्त का पूरा अमल और दरअसल खुद उसकी वजूद की बका के लिए ही होता है, और इस नज़्म से यही हकीकत जाहिर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहले सवाल का आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि वक्त इंसानों को क्या मौका देता है, इस नज़्म की रोशनी में वाज़ा कीजिए। यानी कि नज़्म जो है ना खेती, इसका हेल्प लेते हुए आप लोगों को बताना है कि वक्त इंसान को कैसा कैसा मौका देता है। जवाब में लिखा है कि पेश नज़र नज़्म खेती अमीर खनफी की एक तजर्बाती और मुशाहदाती नज़्म है। खेती बाड़ी जैसे मामूली चीज़ को अपनी नज़्म का मौजू बनाकर अमीर खनफी ने अपने अमीर तजर्बे का मज़ाहिर किया है। बिल्कुल सही बात है, खेती बाड़ी का आप यूँ कह सकते हैं, खेती बाड़ी को अपने नज़्म का मौजू बनाकर ये एक बहुत बड़ी बात जो है ना अमीर खनफी बता दिए हैं इस नज़्म में। इंसानी ज़िंदगी में अमली व तजर्बाती सतह पर वक्त इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है। कहा जाता है कि जो शख्स इस दुनिया में किसी के कहने सुनने से कोई बात नहीं समझता, तो आखिर में ऐसे इंसान को वक्त अच्छी तरह समझा देता है। बिल्कुल सही बात है, ये कहा जाता है कि जो इंसान इस दुनिया में किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं समझता है ना, कोई बात नहीं सुनता समझता है, तो आखिर में ऐसे इंसान को वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देता है। शायर के मुताबिक वक्त इंसान को समझने और सुधारने का मौका भी देता है। ऐसा नहीं है कि अचानक किसी को दबोच लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक किसी की और वक्त जो है ना अचानक किसी को दबोच लेता है, यानी कि अचानक उसकी मौत हो जाती है, नहीं। शायर जो है
इस नज़्म में बता रहे हैं कि वक्त इंसान को समझने और सुधरने का मौका देता है। शायर कह रहे हैं कि हमारी कौत व हैसियत, शब व रोज़ और मोहब्बत व नफ़रत वगैरह वक्त के लुक में है, और यही वक्त हमारी ज़िंदगी के हदूद भी हैं। तो ये लंबा चौड़ा आप लोगों को आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, वक्त क्यों खुश होता है आप लोगों को बताना है। वक्त क्यों खुश होता है? क्योंकि फसल काट लेता है, हम लोगों की मौत हो जाती है, तो वक्त खुश होता है कि चलो अब इंसान, ये जो बंदा है, इसकी उम्र हो गई है, फसल काटने का समय हो गया है, यानी कि अब इसकी मौत होने वाली है, तो ये देखकर जो है ना वक्त खुश होता है। ये आप लोग जानते होंगे, चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो बस इसको आंसर में किस तरह से लफ्ज़ों को सजा कर लिखना है। देख लीजिए, यहाँ पर जवाब में लिखा गया है कि अमी खनफी के ज़ेर निसाब नज़्म खेती बज़ाहर तो मामूली उनवान के साथ एक आम सी नज़्म मालूम होती है, लेकिन फ़िक्र के लिहाज से यह एक फ़लसफियाना नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने वक्त और इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा को बयान किया है। इंसानी ज़िंदगी इब्तदा और इब्तदा व इर्तका और अंजाम की रूहानी तौजीहात वगैरह वक्त और इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। इस नज़्म में रूहानियत से क़तअ नज़र करते हुए ज़िरूह जानदारों की मादी तौजीह पेश की गई है, तवज्जिया पेश की गई है, ठीक है। इसे आप शायर की ज़ात का एक तवील मुद्दती तजर्बा भी कह सकते हैं। नज़्म मौजूदी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा ज़िंदगी के बनने और बढ़ने से मुताल्लुक है, तो दूसरा हिस्सा ज़िंदगी के लाजमी अंजाम से मुताल्लुक है। यह नज़्म बज़ाहर तो खेती बाड़ी का मामूली किस्सा नज़र आता है, लेकिन हकीकत में इस मुख्तसर सी नज़्म में शायर ने सिर्फ एक लफ्ज़ हम के ज़रिए ज़मीन के तमाम मखलूक़ात की नुमाइंदगी करते हुए वक्त और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया है। अमली ज़िंदगी में हम वक्त के पंजे में हर वक्त रहते हैं और वक्त की गर्दिश के मुताबिक चलने पर मजबूर हैं। इस नज़्म में इसी हकीकत को समझाने की कोशिश की गई है कि वक्त हमें पहला मौका देता है, फिर हमारी हिमाकतों पर खुश होता है। वक्त दरअसल इस नज़्म का मरकज़ी किरदार है। मुकद्दर के तमाम फ़ैसले वक्त के हाथों ही हुआ करते हैं, और इन तमाम फ़ैसलों का नतीजा इंसान की फ़ना के शक्ल में सामने आता है। यही वह नुक्ता है जिस पर वक्त खुश होता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों को लिख देना है। बिल्कुल सही बात लिखा गया है। नज़्म खेती में हर इंसान को वक्त सुधरने का मौका देता है। अब वो इंसान नहीं सुधरता है या फिर समय के हिसाब से वो सुधर जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वक्त जो है ना इंसान को पाकर खुश होता है, इंसान को देख कर खुश होता है कि चलो अब इसकी उम्र हो गई है, फसल काटने का समय हो गया है, यानी कि मौत आने वाली है इसकी, ये देख कर वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, क्या नज़्म खेती एक पुरसर नज़्म है? जवाब देख लीजिए क्या लिखा गया है। अमी खनफी के ज़ेर निसाब नज़्म खेती फ़िक्री एतबार से एक पुरसर नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने वक्त के किरदार में रुबानियत और कहारियत के मुख्तलिफ शक्लों को उभारा है। एक तरफ तो यह वक्त इंसानों को एक ख़ास मरहले तक परवान चढ़ाता है, और दूसरी तरफ वह उन्हीं को फना के हवाले कर देता है। शायर इस हकीकत को बयान करता है कि हम तमाम इंसान इस वक्त की खेती हैं। फसल तैयार हो जाए तो मामूल के मुताबिक इंसानों को वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है। वक्त का पूरा अमल दरअसल इसके खुद अपने वजूद के बका के पेश नज़र ही होता है, और इस नज़्म में शायर ने इसी आफाकी हकीकत का इजहार किया है। हयाती लिहाज से यह नज़्म या आज़ाद नज़्म 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। खेती नाम का नज़्म जो है ना कितने मिसरों पर मुश्तमिल है, तो याद रखिएगा 11, यानी कि 11 मिसरा है, 11 लाइन है उस नज़्म में, जिसमें शायर ने इंसान की बका और उसकी फ़ना के मरहलों के साथ वक्त की बेपनाह कौतों से हमें बड़े पुरसर अंदाज में आशना कराने की कामयाब कोशिश की है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नज़्म खेती मौजूदी तौर पर एक पुरसर नज़्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल देखिए क्या दिया गया है। पांचवा सवाल पूछा जा रहा है कि दर्ज़ ज़ैल इक्तबास की तशरीह कीजिए। यहाँ पर इक्तबास यानी कि टुकड़ा दिया गया है। किसका टुकड़ा? तो खेती नाम का जो नज़्म है ना, इसी का टुकड़ा, यानी कि 1, 2, 3, 4 लाइन उठाकर दिया गया है, जिसको क्या कहेंगे? इक्तबास कहेंगे। 4 लाइन का एक टुकड़ा यानी कि इक्तबास। अब इसी 4 लाइन की आप लोगों को क्या कर देना है? तशरीह कर देना है। तो चलिए देखते हैं तशरीह किस तरह से किया गया है। और वैसे इस इक्तबास को मैं पढ़ भी देती हूँ। हम अगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम बिला आखिर उसके लुक में, हम बिला आखिर इसकी फसल, इसी का तशरीह करना है आप लोगों को, और यहाँ पर किया गया है। देखते हैं क्या किया गया है, किस तरह से किया गया है। जवाब में लिखा गया है कि ज़ेर नज़र 4 मिसरे अमीर खनफी की ज़ेर निसाब नज़्म खेती से माखूज है, यानी कि खेती से ये 4 लाइन लिया गया है, और इस नज़्म का आखिरी बंद है। इस नज़्म में शायर ने वक्त के किरदार में खुदा की रुबानी और कहारी ताकतों को
मुख्तलिफ़ शक्लों में उभारा है। एक तरफ तो यही वक्त है जो इंसानों को एक ख़ास मरहले तक परवान चढ़ाने का मौका देता है, फिर यही वक्त जो उन्हें इंसानों की मौत के हवाले भी कर देता है। गोया के हम तमाम इंसान वक्त की खेती है, फसल तैयार हो जाए तो फितरत का तकाजा यह है कि उसको काट लिया जाए। इसी तरह इंसानों को भी फसल की हैसियत में वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है। नज़्म के इस बंद में इसी हकीकत का इजहार किया गया है कि इंसान की फना और बका में वक्त की ताकत कार्य फरमा होती है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, मतलब कि चैप्टर नंबर 13 तो कंप्लीट हो ही गया और 14 भी, ये दो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलिए 15 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 15 यहाँ से इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है। नाम क्या है? तो बरके कलीसा नाम है, राइटर है अकबर अलाबादी। चलिए देख लेते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से भी इस चैप्टर का सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पूछा गया है पहला सवाल कि अकबर अलाबादी किस तरह के शायर हैं। तो याद रखिएगा ये एक ज़रीफ़ शायर है, यानी कि ज़रीफ़ाना नज़म लिखा करते हैं, तो ये एक ज़रीफ़ शायर है, यानी कि हंसी मजाक वाली ये नज़म लिखा करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये अवध पंच के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तीसरा सवाल, नज़्म बरके कलीसा के शायर का नाम बताइए। तो बरके कलीसा नज़्म है और इसके शायर अकबर अलाहाबादी हैं, याद रखना है। बरके कलीसा जिसमें कलीसा में शायर को क्या दिख दीजा बर्क में कलीसा में शायर को बर्क यानी कि बिजली किसको कहें मिस को मिस दिख जाती है, जो कि बिजली की तरह मतलब आप यूँ कह सकते बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। तो वही कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और चैप्टर पढ़े हैं, कहानी आप लोगों को पूरा पता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे ही पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल यहाँ पर पूछ दिया गया है कि शायर को मिस कहाँ मिली। शायर को मिस जो है ना, जो लड़की का नाम रहता है मिस, वो कहाँ मिली थी? तो आप लोगों को पता होगा कलीसा यानी कि चर्च में मिली थी। अब पांचवा सवाल यहाँ पर, शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? और विजुअली बात है मिस को कहा है, मिस नाम की लड़की रहती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, जिसको बर्क बोले हैं यानी कि बिजली बोले हैं शायर। तो इसी मिस को शायर जो है ना इस नज़्म में गुलशन फितरत की बहार कह रहे हैं। ठीक है, छठा सवाल, दौलत व इज़्ज़त व इमा शायर किसके कदमों पर निसार कर देना चाहता है। यहाँ पर कौमों लिख दिया गया, कदमों रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दौलत इज्जत व ईमान शायर किसके कदमों पर निसार कर देना चाहता है, किसके कदमों पर लुटा देना चाहता है? तो वो कलीसा के मिस पर शायर अपना दौलत इज्जत व ईमान सब कुछ निसार कर देना चाहता है। ठीक है, सातवां सवाल, हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो ये बात जो है ना शायर मुसलमानों के बारे में कही है। अब ज़माने पे नहीं है असर आदम वनू, यह बात किसने किससे कही है? तो यह बात शायर ने मिस से कही है। शायर कहते हैं कि अब ज़माने पे नहीं है असर आदम वनू। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल है कि अकबर अलाहाबादी ने अपने नज़्म का उनवान बरक कलीसा क्यों रखा, यानी कि बरक कलीसा इस नज़्म का टाइटल क्यों रखा गया, ये आप लोग को बताना है। जवाब देख लेते हैं। लिखा गया है कि अकबर अलाहाबादी ने अपने नज़्म का उनवान बरक कलीसा इसलिए रखा कि उन्होंने अपनी शायरी में अमूमन तहजीब व तमद्दुन को अपनी तनकीद का हजफ बनाया है और इस नज़्म में भी उन्होंने अंग्रेज़ी तहजीब को ही अपने हजफ मिलामत बनाया है। बरक कलीसा के मानी होता है कलीसा की बिजली यानी कि चर्च की बिजली, इसलिए शायर अंग्रेज़ी मिस को बर्क से ताबीर करते हुए नज़्म का उनवान बरक कलीसा रखा। अंग्रेज़ी मिस को यानी कि मिस नाम की लड़की रहती है जो कि बहुत खूबसूरत रहती है, तो उसी को बिजली कहे हैं, बिजली से ताबीर किए हैं यानी कि बर्क से ताबीर किए हैं, और इसी वजह से इस नज़्म का उनवान टाइटल क्या रख दिया गया है? बरक कलीसा रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, मिस ने मुसलमानों के बारे में इस नज़्म में किन ख्यालात का इजहार किया है, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत बेइज्जती करती हैं मिस नाम की जो लड़की रहती है ना मुसलमानों के बारे में, इनके दिमाग में बहुत उल्टा पुल्टा सवाल चलता रहता है, उल्टा पुल्टा ख्यालात चलता रहता है अजीब व गरीब। तो वही जो है ना बात को आप लोगों को उन्हीं ख्यालात को लिख देना है जवाब में। तो मिस ने मुसलमानों के बारे में इस नज़्म में मुसलमानों की मजहबी परस्ती और इस्लामी तालीमात से नफ़रत और तासुब का इजहार किया है, ख़ास तौर से इस्लामी अहकाम जिहाद और नमाज से उसने नफ़रत का इजहार किया है, और इसलिए कि यह सब ऐसे इल्हामी अहकामात हैं जिनसे ईसाइत पर कारी ज़र्ब पड़ती है, इसलिए खालिस इस्लाम से उसको नफ़रत है। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नज़्म में शायर ने मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में क्या कहा। अब यहाँ पर बताना है कि शायर ने मिस से क्या कहा। मिस ने तो मुसलमानों से अपनी नफ़रत का इजहार कर दिया, शायर से बता दिया कि मैं मुसलमानों से सख्त नफ़रत करती हूँ। अब ये बात सुनकर शायर ने मिस के सामने, मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में क्या बताएं, क्या बात कहें, ये आप लोगों को लिखना है जवाब में। और देख लेते हैं यहाँ पर जवाब में क्या लिखा गया है। जवाब में लिखा गया है कि इस नज़्म में शायर ने मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में उनकी बदहाली, मज़हब से बेराह रवि को तंजी अंदाज में पेश किया है। बिल्कुल सही बात है, इस नज़्म में शायर जो है ना मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में उनकी बदहाली और मज़हब से बेराह रवि को तंजी अंदाज में पेश किया है। यानी कि जब मिस कहती है कि मैं मुसलमानों से सख्त नफ़रत करती हूँ, ये बात सुनकर जो है शायर कहते हैं कि अब अभी के मुसलमान जो है ना पहले के मुसलमानों के जैसे नहीं रहे, अब मुसलमान बिल्कुल बदल चुके हैं। अब देखा जाए तो अभी के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। अभी के मुसलमान की जो हालत है वो बदहालत हो गई है, मतलब अभी के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, मज़हब से वो बेराह हो चुके हैं, ठीक है, राह से भटक गए हैं। मतलब कि यहाँ पर शायर जो है मिस के सामने मुसलमानों की बदहाली को तंजी अंदाज में पेश किया, यानी कि कमेंट पास करते हुए, नहीं बोला जाता है तिरछा बोलना, सीधी बात ना बोलकर तिरछा तंज कसना, तो वही तंज कसते हुए जो है ना मुसलमानों के बदहाली के बारे में शायर जो है ना मिस से कहे हैं, मिस से ये सारी बात बताए हैं। शायर ने मुसलमानों के बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह सहाबाए कराम और पैगंबरों के वाक़ात की तरफ इशारा करते हुए मौजूदा दौर के मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है। यानी कि शायर जो है इस नज़्म में, इस नज़्म के ज़रिए अभी के मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है कि पहले के मुसलमान किस तरह थे। पहले के मुसलमानों में वो नारे तकबीर लगाने का जोश था, वो जुनून था, पहले के मुसलमानों और उनके खून में, मतलब नारे तकबीर लगाने का जोश था, उनके खून में एक तरह से जोश और जुनून दौड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी के मुसलमान की खून नरम हो चुकी है, अब उनके अंदर नारे तकबीर लगाने की जो शक्ति है, वो जो ताकत है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वही बात जो है ना शायर इस नज़्म में बताने की कोशिश की है। और आप लोग पढ़े हैं चैप्टर तो आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को तो खुद पता होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आंसर इतना ही दिया गया है, आप लोग चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं, नहीं तो इतना लंबा, इससे भी लंबा चौड़ा 4-5 लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है कि शायर की किस बात पर मिस हंस कर नहीं बोलती है, इस मौके पर वो शायर से क्या कहती है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि शायर जो है कोई बात बोले मिस से और उस वक्त मिस हंस कर नहीं बोलती है और उस मौके पर शायर से वो क्या कहती है, आप लोगों को बताना है, जवाब में लिखना है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जवाब में क्या लिखा गया है। जवाब में लिखा गया है कि शायर ने जब्बर के कलीसा में जाकर अंग्रेज़ी मैम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इज़्ज़त व दौलत व मज़हब को उसके हुस्न पर निसार करने की बात कही, तो वहाँ मिस हंसने के बजाय त्योरी चढ़ाकर मुसलमानों से नफ़रत का इजहार किया। और इस गुफ्तगु के रावी तो खुद शायर हैं, लेकिन वह मुसलमानों के मज़हब के नुमाइंदा के तौर पर मिस से मुखातिब होते थे। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से समझा दे रही हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे तो जानते होंगे पूरी कहानी क्या है। शायर जब जाकर कहते हैं मिस से, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि इज़्ज़त व दौलत व मज़हब सब कुछ तुम्हारे हुस्न पर निसार करता हूँ मैं, ठीक है, तुम मेरी हो जाओ तो मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बात पर मिस हंसने के बजाय क्या करती है, त्योरी को चढ़ाकर यानी कि गुस्सा होकर कहती हैं कि मुझे बू आती है मुसलमानों के खून से, ठीक है, यानी कि मुसलमानों से मुझे खून की बू आती है, मुझे मुसलमानों से सख्त नफ़रत है और मुसलमानों से मोहब्बत हरगिज़ नहीं। तो ये मुसलमानों से नफ़रत का इजहार करती है उस वक्त मिस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल, नज़्म बर के कलीसा के ज़रिए शायर हमें क्या बताना चाहता है। तो नज़्म बर के कलीसा के ज़रिए शायर हमें यह बताना चाहता है कि इस्लामी तहजीब व सकाफ़त इतनी पसमानदा हो चुकी है और मुस्लिम नौजवान मज़हब से इतने दूर हो चुके हैं कि आज के नौजवान इन महबूब की खुशनूदी और आरती मोहब्बत के लिए अपने दीन व ईमान को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के दिवालियापन पर एक तरह का तंज है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा कि ये जो नज़्म बर के कलीसा है इसके ज़रिए शायर हमें यही बताना चाहते हैं कि अभी के जो मुसलमान हैं, अभी इस्लामी जो तहजीब व सकाफ़त है वो बहुत ही पसमानदा हो चुकी है, मतलब अभी के मुस्लिम जो नौजवान हैं वो मज़हब से बहुत ही दूर हो चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं कि आज के नौजवान जो है ना इन महबूब की खुशनूदगी और आरज़ी मोहब्बत के लिए अपने दीन व ईमान को छोड़ने को तैयार है। यानी कि मोहब्बत
किसी मतलब अपने महबूब की मोहब्बत पाने के लिए, अपने दीन व ईमान को छोड़ने के लिए वो तैयार है। मतलब मोहब्बत में इतने वो घुल मिल चुके हैं कि वो मज़हब से ही दूर हो जा रहे हैं और दूर होते ही चले जा रहे हैं, और काफ़ी दूर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि अपने महबूब की खुशनुदगी और आर्जी मोहब्बत मतलब मोहब्बत हासिल करने के लिए दीन व ईमान को छोड़ने को भी तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ बताई गई है इस नज़्म के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं, तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल कि नज़्म बरके कलीसा का खुलासा तहरीर कीजिए। अब इस बरके कलीसा में क्या क्या बात जो है ना जाहिर किए हैं लिखकर शायर, ये आप लोगों को बताना है। जवाब में है कि नज़्म बरके कलीसा अकबर अलाहाबादी का एक तंज़ी और मज़ाहिया नज़्म है। इस नज़्म में बरके कलीसा को शायर ने अलामती तौर पर पेश किया है। कलीसा की बिजली यानी अंग्रेज़ों की लड़कियों को उन्होंने बर्क से ताबीर किया है, जिसके शिकार मुसलमानों के नाक़ीबत अंदेश इश्क को पेश किया है। चुनांचे फरमाते हैं कि एक दिन कलीसा में गए तो एक हुस्न व जमाल की नमूना मिस से दो चार हो गए। ठीक है, यानी कि कलीसा में चर्च में शायर को क्या मिल गई, क्या दिख गई, तो मिस नाम की लड़की दिख गई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। फिर उस मिस की हुस्न व जमाल और सरापा की पैकर तराशी करते हुए उसके चाल ढाल नाज़ व अंदाज़ गुफ्तगू और बेपनाह हुस्न का तज़करा है, यानी कि उसकी खूबसूरती को बयान किए हैं इस नज़्म में शायर। यहाँ तक कि शायर ने अपने दिल की बेकरारी का भी इजहार किया है। फिर मिस से इजहार इश्क भी फरमाते हैं, यानी कि आखिरकार जो है ना मिस नाम की लड़की से वो जाकर अपने मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। मिस त्योरी चढ़ाकर मोहब्बत की कबूलियत के बजाय पूरी मुस्लिम कौम को हदफ तनकीद बताते हुए इस्लाम और उसके उसूल व नज़रियात पर सख्त तनकीदी करती है। शायर मिस के तमाम खुराफात को खामोशी से सुन लेता है। फिर इस्लामी तहजीब और मुसलमानों के खोखले इस्लाम का रोना रोते हुए मिस के सामने कहता है कि अब मुसलमानों में पहली से इस्लामी जोश व अहमियत वगैरह नहीं रही, और यह कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, और ख़ुद को भी इसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है, यानी कि खुद को कहते हैं कि मैं भी नाम का मुसलमान हूँ, यहाँ तक कि अपने इस्लाम को किस्से माजी तक कह दिया है। इस बात को सुनकर वह मिस मुस्कुराती है और फिर रजामंदी का इजहार करती है। यानी कि शायर जो है ना लास्ट में कहते हैं कि अभी के मुसलमान बिल्कुल बदल चुके हैं, पहले के मुसलमान नहीं रहे, अभी के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी एक नाम का मुसलमान रह गया हूँ। और फिर जो है ना कहते हैं कि ये जो तुम अपने दिमाग में मुसलमानों के बारे में गलत सलत ख्यालात बिठा कर रखी हो, जितना भी किस्सा और कहानी तुमने सुना है उसको माजी समझो, यानी कि गुजरा हुआ ज़माना समझो, ये पहले होता था। और इस बात को सुनकर मिस मुस्कुरा देती है और फिर रजामंदी का इजहार करती है, यानी कि फिर तब शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल, अकबर अलाहाबादी के शायरी के मुताल्लुक आप क्या जानते हैं बताइए। तो देखते हैं, जवाब में लिखा है कि उर्दू शायरी खसूसन नज़्म नगारी की तारीख में अकबर अलाहाबादी को एक अहम मुकाम हासिल है। उन्होंने आम रिवायत से अलग हटकर तंज व मज़ा और ज़राफ़त को अपनी शायराना अफकार के इजहार का वसीला बनाया। अकबर अलाहाबादी पुराने तमद्दुन और पुराने निज़ाम के कदरदान थे, और अंग्रेज़ियत के नाम पर नए तमद्दुन और नए निज़ाम की खामियों को देख रहे थे। अंग्रेज़ी तमद्दुन ने अभी अपना पूरा जादू शुरू नहीं किया था। अकबर मुसलमान के अजमत रफ्ता को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। हर तरफ नई तहजीब की पूरा गंदगी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। अकबर चुनांचे अंग्रेज़ों की मुलाजमत में थे, इसलिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते थे, लिहाजा उन्होंने तंज व मज़ाक का रास्ता अपनाया। ये आप लोग लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, नज़्म बरके कलीसा की शायराना खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब में है कि अकबर अलाहाबादी का शुमार उर्दू नज़्म के नुमाइंदा शुरा में होता है। बरके कलीसा उनकी बेहतरीन नज़मों में से एक है। अकबर अलाहाबादी की शायरी में अमूमन और उनकी नज़मों में खसूसन अंग्रेज़ी तहजीब व तमद्दुन को हदफ मिलाया मिलामत बनाया गया है। इस नज़्म का कालिब व लबाब भी तकरीबन यही है। इस नज़्म की इब्तदाई चंद अशार में बहुत ही दिलकश अंदाज से एक अंग्रेज़ी मैम के हुस्न की तारीफ़ की गई है, लेकिन इस तारीफ़ के पर्दे में भी तंज का निश्तरकार फरमा नज़र आता है। इस नज़्म में शायर ने मुसलमानों की बदहाली और मजहबी बेराह रवि को तंजी अंदाज में पेश किया है, और इस तंज के ज़रिए मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है। ठीक है, इस नज़्म के शायर मुसलमानों के दिलों में एक नई रोशनी भरने की कोशिश किया है, और वह ऐसे मुसलमानों को हदफ मलामत बनाते हैं, तहजीब
तहजीब को ही सब कुछ समझते हैं। इस नज़्म के अहम शायराना खूबी यह है कि बज़ाहिर एक छोटी सी दास्तान इश्क करके मुस्लिम माशरे के खोखलेपन को दस्त अज़बाम किया है कि आज के लोगों की तरह आरती मोहब्बत और महबूब के लिए अपने दीन व मज़हब को भी खैरबाद कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्तसर यह है कि इस नज़्म के ज़रिए अकबर अलाबादी ने कौम मुसलमान की इस्लाह का काम लिया है। अब यहाँ पर चौथा सवाल है कि दर्ज ज़ैल गलत मिसरों को दुरुस्त कीजिए। अब यहाँ पर गलत मिसरा बना दिया गया, गलत लाइन दे दिया गया, उल्टा पुल्टा, और इसको आप लोगों को दुरुस्त करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है रात इसमें से गिरजा में हुआ मैं दो चार। अच्छा, रात उसमें से हुआ कलीसा में हुआ मैं दो चार, तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर लिखा गया है रात उस मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार, मिस से रहेगा, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार, ठीक है, इस तरह से रहेगा। दूसरा है तू अगर अहद वफा खोल के मेरी हो जाए, जी नहीं खोल के नहीं, तू अगर अहद वफा बांध के मेरी हो जाए, खोल कर नहीं, ठीक है। उसी तरह तीसरा है हमले सरहद पर किया करते हैं हाजी बनकर, देखिए ये गलत है, हाजी नहीं रहेगा, गाजी रहेगा, हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर। अब देखिए चौथा में क्या गलत दे दिया गया है, चौथा में है कि सब के सब आप ही पर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह, सब के सब आप ही पर पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। पांचवा में क्या गलती है, मेरे इस्लाम को अब किस्सा मुस्तकबिल समझो, जी नहीं मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, माजी मुस्तकबिल नहीं बल्कि माजी रहेगा, ठीक है। तो ये सही मिसरा बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा सवाल है कि इस नज़्म से कम अज़ कम पाँच तरकीब चुनकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला है मुबालगा, तजाहिल, अरफाना, तशबिया, तलमी और किनाया। छठा सवाल, इस नज़्म से पांच मुशद्दद अल्फाज तलाश करके लिखिए, तबस्सुम, किस्सा, मजम्मत, लज्जत और अल्लाह, ये पांच हो गया मुशद्दद अल्फाज। सातवां सवाल, ये ग्रामर का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बुक में दे दिया गया है। नीचे दिए गए अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी जिंसियत जाहिर हो जाए, यहाँ पर जिन्स बता देना है, ठीक है। तो देखिए पहला है ज़ुल्फ़, ज़ुल्फ़ क्या है, तानीस है, यानी कि तानिश का मतलब क्या, मुअन्नस है, तेरी ज़ुल्फ़ स्याह है, यानी कि ज़ुल्फ़ क्या है, मुज़क्कर है, स्त्रीलिंग है। उसी तरह तकरीर भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तानिस यानी कि मुअन्नस है। आपकी तकरीर अच्छी है, तो तकरीर अच्छा है नहीं बल्कि आपकी तकरीर अच्छी है, यानी कि तकरीर क्या है, मुअन्नस यानी कि तानिश है। बुलबुल क्या है, बुलबुल है मुज़क्कर, बुलबुल क्या है, बुलबुल है मुज़क्कर, बुलबुल का उड़ना अच्छा है। शजर जो है ये भी तानिश है, यह शजर ममनू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस्सा, किस्सा जो है ना ये मुज़क्कर है, इट मीन्स मुज़क्कर का मतलब क्या, पुलिंग, यानी कि किस्सा क्या है, पुलिंग है, मुज़क्कर है। रुस्तम व सराब का किस्सा बहुत पुराना है। गेसू जो है ना ये भी क्या है, मुज़क्कर ही है, तेरा गेसू चमकदार है। जौहर भी मुज़क्कर है, ठीक है, जौहर क्या है, मुज़क्कर यानी कि पुलिंग है। एटम का जौहर मौजूद है, अच्छा एटम का जौहर मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज़्ज़त, तानिस, तुम्हारी इज़्ज़त क्या है, तानिस है, तुम्हारी इज़्ज़त बर्बाद हो गई, यानी कि इज़्ज़त क्या है, स्त्रीलिंग है। सरहद मुज़क्कर है यानी कि पुलिंग है, पाकिस्तान का सरहद महफूज नहीं है। नज़ाकत भी तानिस है यानी कि स्त्रीलिंग है, आप मामले की नज़ाकत को नहीं समझते हैं। उन्स का मतलब होता है, उन्स मतलब आप यूँ कह सकते हैं ये एक मुज़क्कर है, जानवरों से तुम्हारा उन्स काबिल तारीफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर नंबर 16 है, कितना है, चैप्टर नंबर 16, यानी कि चैप्टर नंबर 15 तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ये 16वां चैप्टर है, 16वां चैप्टर का नाम क्या है, मुतशायर, और उसके बाद से एक और चैप्टर बचा हुआ है 17वां, यूजिनो मंताले का लिखा हुआ, तो वो भी हम लोग करेंगे, बस और दो चैप्टर बचा हुआ है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखकर भी बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो रहा है तो भी कमेंट में लिखकर पूछिए, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चैप्टर नंबर 16 का सवाल स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से। पहला सवाल है कि मुतशायर के लफ्ज़ी मानी क्या है, तो मुतशायर का लफ्ज़ी मानी क्या होता है, ये मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाई थी तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई थी कि मुतशायर का मानी होता है बनावटी शायर यानी कि नकली शायर। निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है, तो मुतशायर की बटर यानी कि मक्खन लगाने में निराला असर है, ठीक है, यानी कि बटर मक्खन लगा लगा कर मुतशायर जो होता है ना नकली शायर, वो जलसा जुलूस में जाता रहता है। अब देखिए तीसरा है, मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है, तो शोहरत व नाम व नमूद पर मुतमईन है। किसी के काम से
मुतशायर कभी नहीं, किसी नहीं, किस काम से, यहाँ पर किसी लिखा गया, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता, तो जी हजूरी से, जी हजूरी से जो है ना मुतशायर कभी नहीं थकता, यानी कि चापलूसी करना, जी हजूरी करना से कभी नहीं थकता है। ये काम से वो थकेगा ही नहीं, क्योंकि इसी काम से उसको पैसा मिलता है ना, धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है, तो चापलूसी की बुनियाद पर, जी हजूरी के बुनियाद पर धनबाद झरिया जाता रहता है। मुतशायर का यार कौन है, तो तजमीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। मुतशायर की नज़र में गमख्वार कौन है, तो जो पैरोडिया दे दे वो गमख्वार है। मुतशायर का सरदार कौन है, तो जो दीवान दे दे वो मुतशायर का सरदार है। मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है, तो मुतशायर का अगर बस चले तो वो अकबर की दीवान पर ही कब्ज़ा कर लेना चाहता है। दसवां सवाल कि मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है, तो मुतशायर जो है ना अफसर से दोगुना कमाता है, यानी कि अफसर लोगों से भी दोगुना कमाता है। मुख्तसर सवाल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल, मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा। तो चैप्टर पढ़े हैं तो देन आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पर मैं आंसर पढ़ूंगी तो आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। चलिए पढ़ती हूँ और आप लोग सुनिएगा। ज़ेर नज़र नज़्म मुतशायर में मुतशायर उर्दू का जनाजा इस तरह निकालेगा कि वह खुद तो शायर नहीं है, दूसरों का कलाम तरका करके यानी कि चुरा कर या खरीद कर शायर बनता फिरता है, हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। ऐसे लोग तो अदब के लिए बासे नंग होते हैं, वो अपने चेहरे पर ज़राफ़त का गाज़ा मल लेते हैं, ठीक है, और अपनी जहालत से ज़राफ़त के पर्दे में उर्दू का जनाजा निकालने लगते हैं। तो इस तरह से जो है ना मुतशायर उर्दू का जनाजा निकालेगा, क्यों, क्योंकि मुतशायर को तो उर्दू आती ही नहीं है, मतलब शायरी आती ही नहीं है, शायर लिखता ही नहीं है, वो दूसरे शायर जो असली शायर है उनका कलाम चुरा कर, उनकी शायरी चुरा कर पढ़ देता है, और इसी वजह से मुतशायर जो है ना उर्दू का जनाजा निकाल लेगा, वही बात लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है, इससे शायर क्या कहना चाहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाई थी चैप्टर, और आप लोग को याद भी होगा आई होप। चलिए देख लेते हैं जवाब। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े ना तो ज़रूर पढ़ लें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जितना भी पढ़ा चुकी हूँ ना सारा का सारा ये पूछा गया है उसी चैप्टर में से। तो देखिए जवाब में लिखा है कि ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है, इससे शायर यह कहना चाहता है कि मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है। ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है, ममूला जो है ना शाहीन एक पक्षी है, और शाहीन बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, बुलंदी तक, लेकिन ममूला नहीं उड़ पाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर बोला गया कि ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है, यानी कि धोखे से ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है, यानी कि ममूले अपने आप को शाहीन बोलता है। उसी तरह शायर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मुतशायर ने भी शायर का चोला बदल लिया है, यानी कि मतलब यह है कि ममूले को मुतशायर से ताबीर किया गया है और शाही को असल शायर से ताबीर किया गया है, यानी किसी अदबी महफिल में मुतशायर ने किसी से कलाम खरीद कर अरबाब ज़ौक से वाहवाही लूट लिया और लोगों में गलतफहमी फैलाकर असल शायर बन गया, यानी कि जो असली शायर है उनसे चुरा कर या फिर शेर व शायरी कलाम को ख़रीद कर जो नकली शायर है वो जलसा जुलूस में शेर व शायरी पढ़ देते हैं और लोगों में गलतफहमी फैला देते हैं, मतलब कि वो लोगों के अंदर गलतफहमी फैल जाती है कि वाह ये तो असली शायर है, यानी कि लोगों के सामने असली शायर बन जाता है, ठीक है, जबकि असली शायर जो है ना वो बेचारे लिखने में ही, शेर व शायरी लिखने में ही परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह बोला जा रहा है कि मुतशायर जो है ना शायर का चोला बदल लेता है, ठीक है, यानी कि असली शायर बनकर लोगों के सामने मतलब दिखता है, जिस तरह ममूला जो है शाही का चोला बदल लेता है उसी तरह मुतशायर शायर का चोला बदल लिया है, ये बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि इस नज़्म में जिन शहरों और मुल्कों के नाम आते हैं उन्हें तरतीबवार लिखिए, साथ ही मुल्कों की राजधानियां भी लिखिए। तो शहरों का नाम आया है धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस और लंदन, और मुल्कों के नाम आया है क्या, मुल्कों का नाम आया है कनाडा, दोहा, कतर और शिकागो, ठीक है। चौथा सवाल, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है। तो मुतशायर खुद को खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि वो असल शायर तो है नहीं, दूसरे शुरा के कलाम खरीद कर या किसी कदीम शायर के दीवान से चंद गज़ल सरका करके आदमी महफिलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसियत से अपना तारुफ करा लेता है, लेकिन अगर उसे बर्जिश्ता अशआर कहने के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी कलई खुल जाएगी, इसीलिए वो अपने आप को खोटा सिक्का कहता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, क्या किया जबा गैरत को बनकर कसाई और
मिली है मुझे दोस्त बेज़मीरी का मतलब क्या है? यहाँ पर कली नहीं रहेगा, मिली रहेगा। मिली है मुझे दोस्त बेज़मीरी, इसका मतलब आप लोगों को बताना है। तो किया ज़बह गैरत को बनकर कसाई का मतलब यह है कि अगर गैरत रहेगी तो मुतशायर शायर नहीं बन पाएगा, यानी कि गैरत उसे शायर बनने नहीं देगा। इसीलिए मुतशायर ने गैरत को इस तरह ज़बह कर डाला कि फिर दोबारा उसका एहसास ही नहीं हो। मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब यह है कि अगर गैरत और ज़मीर इंसान के दिल में ना हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेज़मीरी भी एक किस्म की दौलत है। इसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग मुतशायर बन जाते हैं। तो ये बात कितने बेहतरीन ढंग से सजा कर लिख दिया गया है, कितना अच्छा जवाब लिखा गया है। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन, अदब के लिए खुद को बासे नंग मुतशायर क्यों कह रहा है, बताएं। तो मुतशायर अदब के लिए खुद को बासे नंग इसलिए कह रहा है कि दूसरों का कलाम खरीद कर या सरका करके शायर तो बन गया है, मतलब मुतशायर शायर तो बन गया है, लेकिन कभी कभी उसका ज़मीर ज़िंदा हो जाता है तो उसे अपनी कम माहंगी का एहसास होने लगता है। ठीक है, उन्हीं लम्हात में मुतशायर अपने आप को अदब के लिए बासे नंग समझता है। ठीक है, मतलब कभी कभी शायर को ये एहसास होता है कि वाकई में, मतलब कि मैं बहुत गलत करता हूँ, मतलब शेर को खरीद कर या फिर चुरा कर पढ़ता हूँ, तो ये मैं अदब के लिए बासे नंग हूँ। कभी कभी मुतशायर को अपने आप से ये एहसास होने लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात। पहला सवाल है कि नज़्म मुतशायर के लिखने का मकसद क्या है। ये नज़्म जो है, कविता मुतशायर लिखा गया है, तो इस कविता के लिखने का मकसद क्या है, ये आप लोगों को जवाब में लिखना है। देख लेते हैं जवाब में क्या लिखा गया है कि मुतशायर उन्वान से नज़्म लिखने का मकसद उसके शायर ज़फ़र कमाली का यह है कि समाज में बातिल कौतों को समाज के सामने नंगा करना और उसे खुद एहतसाबी पर मजबूर करना। इस नज़्म में ज़फ़र कमाली ने शायर से बेखबर होने के बावजूद शेर व अदब के नाम पर खाने कमाने वाले एक किरदार को तख्ता मश्क बनाया है। यह हमारे समाज का ऐसा जाली किरदार है जो सही और हकदार लोगों के मौके तरह तरह के हथकंडों और साजिशों से छीन लेता है। हकदार खाली हाथ रह जाते हैं और नाहक या बातिल कोतों को सब कुछ मिल जाता है। नज़्म का उन्वान मुतशायर है, यानी ऐसा शख्स जो खुद शायर नहीं कहता हो, जो खुद शेर नहीं कहता हो, लेकिन समाज में शायर की हैसियत से अपने आप को पेश करने में कामयाब हो गया हो। यह बात सिर्फ शेर व अदब तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपनी बनावटी लोग मरकज़ी और अहम मुकाम तक पहुंच गए हैं और अच्छे और सच्चे लोग हाशिए पर डाल दिए गए हैं। इस तरह यह नज़्म हमें एक समाजी बीमारी की तरफ मतवज्जा करती है और अच्छे और सच्चे लोगों का हक मारने वालों को मुजरिम करार देती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जिस तरह मुतशायर जो होता है नकली शायर, वो खुद शेर नहीं कहता है बल्कि चुरा कर या फिर खरीद कर शेर पढ़ता है और लोगों के सामने असली शायर बन जाता है, और जो असली शायर होते हैं उनको वो ओहदा नहीं मिल पाता है जितना ओहदा इस तरह के नकली शायर को मिल जाता है। मतलब लोग नकली शायर को ही असली शायर समझ लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये समाज में भी हो रहा है। जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चा ए है जो कि दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है सच्चाई और अच्छाई के साथ, ये दिन रात पढ़ रहा है, लिख रहा है, मान लीजिए इसको UPSC क्रैक करना है और UPSC की तैयारी के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहा है, जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, और वहीं पर एक बच्चा बी है जिसको अपने लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उतना पढ़ता लिखता नहीं है, इसके माँ बाप ही इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं कि खुद पैसा लगाकर इसका सरकारी नौकरी करवा दे रहे हैं, तो इसका लाइफ सेट हो जा रहा है। तो इस तरह के लोग जो है, जिनका बेस मजबूत है और जो यूं गलतफहमी पैदा करके समाज में अपना नाम कमा ले रहे हैं, इस तरह का जो वाक्या है ना, समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको वो हक नहीं मिल पा रहा है, वो ओहदा, वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। इस नज़्म को लिखने के पीछे यही मकसद है, यही बताने की कोशिश की है शायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के सबब मुतशायर की शोहरत और अहमियत कायम हुई, बयान कीजिए। तो इसका जवाब देखते हैं। शेर नहीं कहने के बावजूद मुतशायर की शोहरत और अहमियत इसलिए कायम हो गई कि वो शायरों की खुशामद और चापलूसी करता है शायरों की दावतें करता है, शायरों और बड़े लोगों के सामने बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है। उसकी शायरी के चिराग में गरज तेल नहीं है, फिर भी हर आदमी महफिलों में बुलाया जाता है, अपनी उन्हें
खसूसियात की वजह से मुतशायर हमेशा शेरी सफ़र में रहता है, यहाँ तक कि मुल्क से बाहर का भी सफ़र किया करता है। वह झरिया, धनबाद, दिल्ली, पूना होते हुए पेरिस और लंदन भी जाता है। जी हजूरी और खुशामद में वह कभी नहीं थकता है, गैरत को ख़त्म कर चुका है और शायर नहीं होने के बावजूद वह शायर बना फिरता है और अपने आप को अदब की दुनिया का सिकंदर समझता है। अगर उसका बस चले तो वह वाही की पूंजी उड़ा ले, यहाँ तक कि अकबर अलाबादी के दीवान तक कब्जा जमा ले। ठीक है, मुख्तसर यह है कि मुतशायर नहीं होने के बावजूद चापलूसी, खुशामद, झूठ और मक्कारी जैसी खसूसियात की बिना पर समाज में अपनी शोहरत और अहमियत कायम कर लेता है। कौन? मुतशायर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, असली शायर नकली शायर के मुकाबले में हालात की सितम ज़रीफ़ियों का किस तरह शिकार है, वाजह कीजिए। तो असली शायर जो है ना, नकली शायर के मुकाबले हालात की सितम ज़रीफ़ियों का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि वह नकली शायर वाला हथकंडों और हरबा इस्तेमाल नहीं और नकली शायरों वाला हथकंडा और हरबा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हकीकत तो यह है कि असली शायर नकली शायर वाला हरबा अपनाने से बिल्कुल कासिर है, यानी वह ना तो खुशामद कर सकता है, ना चापलूसी कर सकता है और ना गैरत के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। इसलिए वह गोशाए नसीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है, जबकि नकली शायर अपनी खुशामद और चापलूसी की बदौलत हर अदबी महफिल में पहुँच कर किसी असली शायर की गुरबत व अफलास का फ़ायदा उठाकर ऊंचे दामों में उसका कलाम खरीद लेता है। इसे बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ता है और अहल व इल्म व दानिश से खूब वाहवाही लूटता है, यहाँ तक कि उस खरीदे हुए कलाम को अपने नाम से मंसूब कर लेता है, उस पर तज़मीन लिखवाता है, पैरोडियाँ लिखवाता है और रुपये के ज़ोरों पर बड़ा शायर जाता है। दुनिया ही समझती है कि वह ऊंचे दर्जे का शायर है। ठीक है, यही बात है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल, मुतशायर क्या उर्दू की तजारत कर रहा है या ज़ुबान व अदब की खिदमत अंजाम दे रहा है? नज़म के हवाले से जवाब लिखिए। मुतशायर क्या उर्दू की तजारत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दे रहा है, ये आप लोगों को बताना है नज़म के हवाले से। तो जवाब देखिए, लिखा गया है, मुतशायर कभी उर्दू की खिदमत अंजाम नहीं दे सकता, उर्दू की खिदमत सिर्फ असली शायर अंजाम दे सकते हैं। मुतशायर चूंकि असली शायर नहीं होता है बल्कि नकली शायर होता है, इसलिए वह उर्दू की तजारत तो कर सकता है लेकिन उर्दू की खिदमत कभी अंजाम नहीं दे सकता। नज़म मुतशायर के हवाले से भी, मुतशायर उर्दू की तजारत करके अपनी और अहलवायाल की खिदमत तो अंजाम दे सकता है लेकिन उर्दू की खिदमत अंजाम नहीं दे सकता। मुतशायर दरअसल शायर तो होता नहीं है, वह नकली शायर होता है और खुशामद, चापलूसी और मक्कारी के ज़रिए दौलत का सहारा लेकर वक्ती तौर पर अपने आप को शायर की हैसियत से मुतारफ कराने में कामयाब हो जाता है। इस तरह वह उर्दू की खिदमत अंजाम ना देकर उर्दू के नाम पर तजारत करता है और उसमें वह वक्ती तौर पर कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ असली शायर जो गुरबत का शिकार होकर अपने कलाम को फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं, हुआ उसका कलाम नकली शायर नकली शुरा के नाम से ही क्यों ना छप जाए, फिर भी वह अपनी शायराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर अशार की तख्लीक में मसरूफ़ रहता है और उर्दू अदब व शायरी की सरमाए में इजाफा करता रहता है। इस तरह अगर गौर से देखा जाए तो असली शायर ही दरअसल उर्दू की खिदमत का अंजाम देता है। ठीक है, पाँचवा सवाल देखते हैं, दूसरों से कलाम हासिल करने के लिए मुतशायर कौन कौन से करतब करता है, उसे बयान कीजिए। मतलब दूसरे लोगों से कलाम मतलब शायरी हासिल करने के लिए मुतशायर कौन कौन से तरकीब अपनाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दूसरों से कलाम हासिल करने के लिए मुतशायर अजीबोगरीब हरकत करता है, अगरचे उसकी शायरी के चिराग में तेल नहीं होता लेकिन वह खुशामद, चापलूसी और मक्खनबाजी जैसे फ़न को बरूए कार लाता है, यहाँ तक कि असली शोरा को पुलाव की दावत पर भी बुलाता है। चापलूसी भी कुछ ऐसी फनकारी के साथ करता है कि ममदू को एहसास तक नहीं गुजरता है और वह नकली शायर हर महफिल में बुलाया जाने लगता है, यहाँ तक कि सफ़र करके वह दूर दूर के मुशायरों में भी शिरकत कर लेता है। झरिया, धनबाद, दक्कन, पूना, दिल्ली होते हुए वह 271 तक पहुँच जाता है। इसकी परवाज यहीं ख़त्म नहीं होती, वह खलीजी ममालिक होते हुए पेरिस और लंदन, यहाँ तक कि अमेरिका, शिकागो और कनाडा भी पहुँच जाता है। मस्कोरा बाला करतब बाजी के ज़रिए शायर ना होते हुए भी शोहरत व इज़्ज़त के आसमान पर पहुँच जाता है और दूसरों से कलाम हासिल करके अपने नाम से मंसूब कर लेता है और मक्कारी व अय्यारी से थोड़ी देर के लिए असली शायर बन जाता है। ये बात लिख देना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल जो कि ये ग्रामर का है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। मुकद्दर में उनके क्या रहेगा, शिकागो ना लंदन, यहाँ पर रहेगा शिकागो और ना लंदन, यहाँ पर लंदन रहेगा। ठीक है, ये भर देना है खाली जगहों को। देखिए दूसरे पर क्या रहेगा,
जहान अदब का सिकंदर बना हूँ, यानी क्या रहेगा, जहान अदब का सिकंदर, ठीक है। तीसरे में क्या है, फिजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, यह सच है, यह सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, यहाँ पर हारी रहेगा। उसी तरह खुशामद की मैं दाल था, यहाँ पर दाल रहेगा, थी, खुशामद की दाल था गल गया हूँ, यहाँ पर गल गया हूँ, ठीक है, खुशामद की दाल था जो गल गया, ये खाली जगह को भर देना है। आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल कि मंदरजा ज़ैल मिसरों की सही तरतीब तैयार कीजिए, जो अफसर है उनसे दूना कमाता हूँ, अमीरी में करने लगा हूँ फ़कीरी, ठीक है, और गलत फहमियों का जब रंग घोला करंग घोला अजब उड़ा लूँ चले बस तो वाही की पूंजी, सतर कुएँ हर रोज़ के झांकता हूँ। ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इसको सही तरतीब से आप लोगों को लिख देना है। तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है, जो अफसर है उनसे कमाता हूँ दूना, फ़कीरी में करने लगा हूँ अमीरी, गलत फहमियों का अजब रंग घोला चले बस तो वाही की पूंजी, उड़ा लूँ के हर रोज़ सत्तर कुएँ झांकता हूँ। तो ये सही तरीके से यहाँ पर तरतीब में बिठा दिया गया है। ये कम्प्लीट हो गया चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। जी हाँ, 13 से स्टार्ट किए थे, 13, 14, 15, 16, 16 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17। ये लास्ट चैप्टर है, बने रहिए और इस चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। 17 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाने वाला है आज के इस वीडियो में, ठीक है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 17 चैप्टर का नाम है हम नहीं जानते, जिसका राइटर है योजिनो मंताले, और सवाल स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से। पहला सवाल है कि योजिनो मंताले किस सदी के शायर हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योजिनो मंताले जो है ना 20वीं सदी के शायर हैं, इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। दूसरा सवाल कि योजिनो मंताले का पहली शेरी मजमुआ, पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ, योजिनो मंताले का पहला शेरी मजमुआ यानी कि शेर और शायरी का किताब कब शाये हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखना है 1915 को प्रकाशित हुआ था। शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान से किया गया है, हम नहीं जानते नज़्म जो है ना इसको किस ज़ुबान से तर्जुमा किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, तो इतालवी ज़ुबान से ट्रांसलेट किया गया है उर्दू ज़ुबान में। नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है, तो ज़ाहिदा ज़ैदी ने उर्दू में तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेट किया है। जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन का या मिसरा, नज़्म हम नहीं जानते से माखूज़ है, तो जिनसे तराशा गया ज़िंदगी का बदन या मिसरा, नज़्म हम नहीं जानते से ही माखूज़ है। जी हाँ, ये जो लाइन है ये हम नहीं जानते नाम के नज़्म यानी कि कविता से ही लिया गया है। यह नज़्म किस हैयत में लिखी गई है, तो यह नज़्म जो है ना ये एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म में किसके आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है, तो इस नज़्म में समुंदर की आहंग और आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। मंताले यानी योजिनो मंताले इस नज़्म में किसकी गूंज नहा खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है, तो मंताले जो है ना इस नज़्म में समुद्र की गूंज को नहा खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर सवालात स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है कि नज़्म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिले तरसील हकायत क्यों कहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब। लिखा गया है कि नज़्म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिले तरसील हकायत इसलिए कहा है कि शायर इस नज़्म में अपने हिस्से में तन्हाई महसूस करता है और अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल से मायूस नज़र आता है और फ़िक्र की दरिया में गर्क होकर सोच रहा है कि न जाने मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। इस फ़िक्र के आलम में मुस्तकबिल के अंदेशे से घबरा कर वह कह उठता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, इसलिए ज़िंदगी की एक हकीकत है जिसकी तरसील मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो इस नज़्म का टाइटल हम नहीं जानते इसी वजह से भी तो रखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिले तरसील हकायत क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि शायर जो है ना वो अपने मुस्तकबिल को लेकर सोच रहे हैं, वो टेंशन में हैं, गहन चिंतन में हैं और फ़िक्र की दरिया में गर्क होकर सोच रहे हैं कि ना जाने मेरा फ्यूचर यानी कि आने वाला समय कैसा होगा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, ठीक है, हम नहीं जानते। और फिर आखिर में सोच कर कहते हैं, लास्ट में कह उठते हैं कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, इसलिए ज़िंदगी की एक हकायत है कि जिसकी तरसील मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग को लिख देना आंसर, ख़त्म। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल है, एक मिनट, जी हाँ, तो दूसरा सवाल है कि इस नज़्म के पहले शेर में शायर ने क्या बात कही है, पहले शेर में शायर जो है वो क्या कहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। जवाब देखते हैं, हम नहीं जानते नज़्म के पहले हिस्से में शायर ने अपनी तन्हाई का शिकवा करते हुए अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल का इजहार किया है। शायर एक तन्हा इंसान की हैसियत से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हुआ नज़र आता है, वह अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच कर मायूस हो जाता है कि क्योंकि उसे आने वाले कल के बारे में अंदेशा है, और वह कह उठता है कि हम नहीं जानते
हम नहीं जानते हैं, उस एक छोटे से जुमले के ज़रिए शायर ने ज़िंदगी के पेचीदगी और उसके मसाइल को बालवास्ता तौर पर पेश किया है। तो यहाँ पर यही बात लिखा गया है, पहले हिस्से में शायर जो है ना अपनी तन्हाई का शिकवा करते हुए गैर यकीनी मुस्तकबिल का इजहार कर रहे हैं, यानी कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, अपने मुस्तकबिल को लेकर वो मायूस है। और लास्ट में इतना गहन चिंतन करते हैं, इतने सोच में डूब जाते हैं कि वो लास्ट में कह उठते हैं कि हम नहीं जानते, यानी कि हमको नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन जैसा भी होगा हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। एक उम्मीद लेकर हम लोग चल सकते हैं कि हाँ हमारा मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर जो है ना अच्छा ही होगा। तीसरा सवाल है कि ए बहर ए जद से मुखातिब होकर शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है। तो देखिए, ए बहर और ए जद अमजद, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किन ख्यालात का इजहार किया गया है। तो नज़्म हम नहीं जानते में शायर जहां पहले हिस्से में मायूसी की कीफियत से दोचार था, नज़्म के दूसरे हिस्से में शायर की कीफियत बदल जाती है। इस हिस्से में शायर के अंदर उम्मीद की किरण नज़र आती है, उसे ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता होने लगती हैं, उसे कुछ होने का एहसास होता है। वह तन्हाई में जो बातें सोच रहा है अब वह उससे अलग सोचता है और कहता है कि या इतना मालूम है जिससे उसका अंदर उम्मीद की उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना गहन चिंतन मतलब टेंशन में अपने फ्यूचर को लेकर सोचता है, पहले तो अपनी पहले हिस्से में मायूसी की कीफियत है, यानी कि मायूस है अपने फ्यूचर को लेकर। पहले हिस्से में शायद जो है ना अपने फ्यूचर को लेकर मायूस है कि पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर जैसा भी हो हमें एक उम्मीद लेकर चलनी चाहिए, उम्मीद की किरण लेकर चलनी चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर जैसा भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो यही उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है शायर के अंदर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात। पहला सवाल है कि नज़्म हम नहीं जानते में शायर किन ख्यालात का इजहार किया है। हम नहीं जानते नाम का नज़्म है यानी कि कविता, इसमें शायर किन ख्यालात का इजहार किए हैं आप लोगों को बताना है। जवाब में है कि नज़्म हम नहीं जानते एक जदीद तर्ज की नज़्म है, इसके शायर मुंताले हैं यानी कि यूजीनो मुंताले हैं। ज़ाहिदा ज़ैदी ने इस नज़्म का इतालवी से उर्दू में तर्जुमा किया है। यह नज़्म तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, तीनों हिस्सों में शायर के ख्यालात में उतार चढ़ाव आता है। नज़्म के पहले हिस्से में शायर एक तन्हा इंसान की हैसियत में नज़र आता है और वह अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतफिक्र नज़र आता है और अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल के बारे में सोचकर शायर मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आने वाले कल के बारे में अंदेशा है और वह कह उठता है कि हम नहीं जानते। इस एक छोटे से जुमले से शायर ने कई तरह के अल्तबास पैदा करने की कोशिश की है। इस जुमले के ज़रिए ज़माने की अफरा तफरी पेचीदगी और मसाइल को बलवास्ता तौर पर शायर ने पेश कर दिया है। नज़्म के दूसरे हिस्से में शायर के अंदर उम्मीद की किरण जागती है और उसे ज़िंदगी के कुछ उम्मीदें नज़र आने लगती है, इसे कुछ होने का एहसास होता है। वह तन्हाई में जो बातें सोच रहा था वह जो नहीं जानता है कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि नहीं, अब शायर इससे अलग हटकर सोचने लगता है और कहता है कि हाँ इतना मालूम है जिससे उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। इस तरह शायर इस नज़्म में कई फ़िक्री मरहलों से गुजरने के बाद आखिर में ज़िंदगी पर एक उम्मीद नज़र आने लगता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल क्या कहा गया है यहाँ पर। दूसरा सवाल है कि इस नज़्म के शायराना खूबियों को वाज़ा कीजिए। अब यहाँ पर इस नज़्म की शायराना खूबियों यानी कि कौन कौन सी जो है ना इसमें खूबियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, आप लोगों को बता देना है। जवाब में लिखा गया है कि ज़ेर निसाब नज़्म हम नहीं जानते इतालवी ज़बान की मशहूर शायर यूजीनो मुंताले की एक उम्दा तख्लीक है। उसको हिंदुस्तानी शायर ज़ाहिदा ज़ैदी ने इतालवी ज़बान से मंजूम तर्जुमा उर्दू में किया। यह एक जदीद तर्ज की नज़्म है, हैयत के अतबार से यह एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म पर यूजीनो मुंताले को नोबेल इनाम भी मिल चुका है और यूजीनो मुंताले के पहले मजमुआ ओसी डे सेपिया में बहर रोम से मुखातिब होकर कई सिलसिलेवार नज़में कही गई हैं। हर चंद के ये सब अपनी जगह मुकम्मल और आज़ाद है, लेकिन दाखिली सतह पर उनमें एक मानवी और फ़लसफियाना रब्त है। मुतरजिम ज़ाहिदा ज़ैदी ने अपनी किताब संगजान मतबू 1979 में बहर रोम सिलसिला के 5 नज़्मों का मंजूम तर्जुमा
किया है। इसी मजमूए से नज़्म हम नहीं जानते मुंतखब किया गया है। यह नज़्म अपनी ज़ात की तलाश से शुरू होकर कायनात और ज़िंदगी के गहरे राज को समझने की कोशिश तक फैली है। मुंताले की इस नज़्म में अहम खसूसियत कायनात का तवाज़ुन है, जिसे ज़ाहिदा ज़ैदी ने अपने कामयाब तर्जुमा से ज़िंदा जावेद बना दिया है। ज़ाहिदा ज़ैदी ने इस नज़्म में बहुत से सादा सलेस और रवां अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अंदर जो मानवी तहें हैं वो बहुत गहरी हैं। मुतरजम की ज़ुबान भी बहुत पुरकशिश और यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, दिल पज़ीर है। जी हाँ, तो ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल, यूजिनो मुंताले के लिए अपनी वाकफियत का इज़हार कीजिए, यानी कि यूजिनो मुंताले एज अ शायर के तौर पर आप अपनी वाकफियत का इज़हार करना है। तो जवाब देख लेते हैं। जवाब है कि इतालवी ज़ुबान के शायरी की तारीख में यूजिनो मुंताले की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, यानी कि यूजिनो मुंताले जो है ना, इनकी शख्सियत की जो है ना तारीफ़ के लिए, मतलब ये किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये बहुत बड़े शायर हैं इतालवी ज़ुबान के, और उनकी अदबी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। मुंताले का शुमार 20वीं सदी के इतालवी ज़ुबान के अजीम शुरा में होता है। यूजिनो मुंताले की पैदाइश 1896 ईस्वी में जिनेवा में हुई, और उन्होंने पहली मौसीकी और इतालवी अदब की तालीम हासिल की, जिसे 1917 ईस्वी में पहली आलमगीर जंग के दौरान जबरी मिलिट्री सोर्स की वजह से मुंताले को नामुकम्मल छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा फ्लोरेंस में गुजारा। 1926 से 29 ईस्वी तक वह फ्लोरेंस में एक इशाती अदारे के जिम्मेदार बनकर कयाम पजीर रहे। फिर कई अखबार और जरीदों में उन्होंने कालम नवेसी और अदारत के फ़रज़ भी अंजाम दिए। इतालवी ज़ुबान के इस बेहतरीन शायर यूजिनो मुंताले का पहला शेरी मजमुआ सिर्फ 19 साल की उम्र में 1915 में शाये हुआ था, और शायरी के साथ उनके मजामीन भी शाये हुए थे। उन्होंने शेक्सपियर और देगर फनकारों का नामों का इतालवी ज़ुबान में तर्जुमा भी किया, और 1967 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीलिट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया, और 1975 ईस्वी में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। मुंताले इतालवी रिवायत के साथ बदलती हुई दुनिया से वाकिफ रहना अपने लिए लाजिम समझते थे। उनके यहाँ सियासी ताबीरात भी बहुत सुलझे हुए अंदाज में शेर इजहार की शक्ल में नज़र आती है। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कवायद का क्वेश्चन, यानी कि ग्रामर का। पहला सवाल है कि नीचे दिए गए हमसूत अल्फाजों के मानी लिखिए। हमसूत अल्फाज है यहाँ पर, और इसका मानी आप लोगों को लिखना है। इसका मानी क्या है? देखिए, सदा का मतलब होता है आवाज़, और ये वाले सदा का मतलब होता है हमेशा। स्वाद वाले सदा का आवाज़, सीन वाले सदा का हमेशा। ये है खाना, खाना मतलब खाना, ठीक है, भोजन करना। खाना मतलब खाना क्या है, एक वर्ब की क्रिया है, ठीक है। और ये खाना का मतलब होता है खे वाले खाना का मतलब होता है घर। ये नज़र का मतलब होता है मिन्नत, और ये बाद का मतलब होता है हवा। अच्छा, ये वाले नज़र का मतलब होता है मिन्नत, और ये वाले नज़र का मतलब होता है निगाह। ये बाद का मतलब होता है हवा, और ये वाले बाद का मतलब होता है बाद, यानी कि कुछ समय के बाद। ये सहन का मतलब होता है आंगन, और ये सहन का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है। अब दर्ज ज़ैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। यहाँ पर इसका उल्टा लिखना है, मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है। देख लेते हैं, पोशीदा का हो जाएगा जाहिर, ज़िंदगी का हो जाएगा उल्टा मौत, खामोशी का उल्टा हंगामा, मुसर्रत का गम, मुमकिन का नामुमकिन, तारीकी का रोशनी, जुदा का साथ। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है सभी का सभी नज़्म पूर्ण रूप से कम्प्लीट, यानी कि टोटल 6 नज़्म था। एक नज़्म जो है ना गुफ्तगू, वो तो पहले ही मैं आप लोग को कम्प्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल जो 5 नज़्म है इसको कम्प्लीट कर लिए। मतलब एक ही वीडियो में 5 नज़्म पूर्ण रूप से कम्प्लीट, यानी कि सारा का सारा रिटन क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमें ये कन्फ्यूज़न है, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ। और समझ में आया है तो भी कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आई है, और वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, और आई होप आप लोग शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।